नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रेप नेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, वो भी पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईसीसी का लोगो देख लीजिए, ये आईसीसी का लोगो है। और जो आईसीसी है वो एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए। ये फॉर्म किया गया था 15 जून 1909 को, तब उसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और उसके जितने भी मेंबर्स थे उस समय, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, वो थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। बाद में फिर 1965 में इसका नाम दोबारा से बदला गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया। फर्क सिर्फ इतना था कि ये इंपीरियल से इंटरनेशनल हो गया, क्योंकि 1965 तक और भी बहुत सारे देश आईसीसी के फुल टाइम मेंबर बन चुके थे। फाइनली 1987 में इसका नाम रखा गया, अब यहां देख सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो अब तक चला आ रहा है। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर की। तो 2005 से लेकर अब तक जो इसका हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, और उससे पहले यानी कि वर्ष 1909 से लेकर 2005 तक इसका हेडक्वार्टर लंदन में हुआ करता था। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले आप फोटो में देख सकते हैं। और जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो है इमरान ख्वाजा। जो सीईओ है आईसीसी के, उनका नाम है जॉफ एलार्डिस। अब बात करते हैं मेंबरशिप की। कुल 106 देश जो आईसीसी के मेंबर है करंटली, उसमें से जो 12 है वो फुल मेंबर्स है, जो टेस्ट मैच भी खेलते हैं ओडीआई के साथ, और बाकी 94 एसोसिएट मेंबर है। अब जो एसोसिएट मेंबर है उसमें भी कुछ डिवीजन है, तो आइए देख लेते हैं मैप के हिसाब से। तो जो रेड कलर है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इसमें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी रेड मार्किंग वाले देश आपको मैप में दिख रहे हैं वो 12 के 12 फुल मेंबर कंट्री है। इसके अलावा जो ऑरेंज है, जैसे यहाँ पे ये जो है ये एसोसिएट मेंबर है, लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ ओडीआई स्टेटस है। और उसके अलावा जो आप येलो में देख रहे हैं यहाँ पे ये जितने भी देश है वो है एसोसिएट मेंबर। और उसके अलावा जो ये ब्लैक रीजन जो दिख रहा है ये फॉर्मर मेंबर है या तो सस्पेंडेड मेंबर है, जिसे आईसीसी ने अपने मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया। तो अब बात करते हैं उन 12 फुल टाइम मेंबर की जिनका नाम इस लिस्ट में है। पहला तीन तो मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि जो पहले तीन रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो ये पहला तीन थे, इन्होंने ज्वाइन किया था 1909 में। बाद में तीन देश और जुड़े, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और भारत। ये जुड़े 31 मई 1926 को। तब जो पाकिस्तान है वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, फिर जब 1947 में विभाजन हुआ तो फिर पाकिस्तान अलग से अपना फुल टाइम मेंबरशिप लिया 1952 को। उसके बाद श्रीलंका 1981, जिम्बाब्वे 1992, बांग्लादेश 2000 में, और 2017 में जो रिसेंट इलेक्टेड मेंबर है आईसीसी के वो है आयरलैंड और अफगानिस्तान। यहाँ पे आप भारत का लोगो, ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का लोगो, और नीचे है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का लोगो। अब बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग की। तो उससे पहले बता दूं कि जो टेस्ट हुआ था अभी, टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। और जो अभी T20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली हुआ था उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया। तो उसका रैंकिंग देख लेते हैं। पहले नंबर पे है न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए और भारत है दूसरे नंबर पे। वहीं ओडीआई में देखेंगे तो न्यूजीलैंड यहाँ भी पहले नंबर पे है और जो भारत है वो चौथे नंबर पे है। और T20 की बात करें तो पहला नंबर पे इंग्लैंड है और दूसरे नंबर पे भारत। वहीं महिला टीम रैंकिंग देखे तो यहाँ पे ओडीआई और T20 दोनों में ही ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पे बना हुआ है, और वहीं भारत चौथे नंबर पे है दोनों फॉर्मेट में, ODI और T20। और ODI का जो फुल फॉर्म होता है वो
होता है वनडे इंटरनेशनल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूले। तो फिर मिलेंगे किसी नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।